चंडीगढ़ में अकाली देंगे गिरफ्तारी। चंडीगढ़ में आज अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। अकाली सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और ड्रग्स के केस में पार्टी प्रधान सुखबीर बादल और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को फंसाने की साजिश रचने के आरोप में किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एसटीएफ की रिपोर्ट को खुलता देख अकाली नेता ऐसा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे चंडीगढ़। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ आ रहे हैं। वो मोहाली में अस्थायी अध्यापकों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। केजरीवाल का ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि पिछले तीन दिन से पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच अहम बहस चली है। आपको बता दें कि शिक्षा के मुद्दे पर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को खुली बहस वाला चैलेंज कबूल कर लिया है। प्रगट ने ये भी कहा है कि ये बहस 10 नहीं बल्कि 250 स्कूलों पर होगी। कैप्टन के निशाने पर हरीश चौधरी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी पर सीधा निशाना साधा है। कैप्टन ने कहा कि हरीश चौधरी राजस्थान में कत्ल केस में नामजद है। वो नौकरी से निकाले गए बेरोजगार की तरह हैं जिन्हें कत्ल केस के चलते राजस्थान के सीएम ने बर्खास्त कर दिया। हरीश चौधरी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को रबर स्टैंप बनाकर रख दिया है। आज संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन में आगे की रणनीति बनाएगा। सिंघू बॉर्डर पर आज 12 बजे होगा किसान जत्थेबंदियों का मंथन। एमएसपी की मांग पर अड़े हैं किसान। तीन चार मुद्दों पर करेंगे बात। बिजली संशोधन बिल पर भी अड़े हैं किसान। सेशन में रद्द होगा कृषि कानून। खेती कानून की वापसी का प्रोसेस हुआ शुरू। परसों लोकसभा में री अपील बिल पेश करेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। सरकार इसी सेशन में रद्द करेगी तीनों काले कानून। एमएसपी कानून के मूड में नहीं केंद्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बड़ी बात कह दी है। खट्टर ने कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने वाला कानून बनाना संभव नहीं है क्योंकि यदि किसानों के उत्पाद को कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो सरकार पर ऐसा करने का दबाव बनेगा। पूर्व आईपीएस अफसर का सीएम चन्नी को खत। पंजाब में बढ़ रहे सिंथेटिक नशे को रोकने के लिए पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी ने नायाब तरीका सुझाया है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह गिल और समाज सेवी इंद्रजीत धिंगड़ा ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पत्र लिखकर सलाह दी है कि पंजाब सरकार नशेड़ियों को ओएसटी ओओएटी सेंटर पर दावा देती है, क्यों न यहां पर नशेड़ियों को भुक्की और अफीम सीमित डोज में दी जाए। पंजाब लोक कांग्रेस दल की बढ़ सकती है मुश्किलें। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस पार्टी में सुखमिंदर सिंह के ऊपर धोखाधड़ी के मामले हैं। चुनाव कमीशन ने एक जनतक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को कोई एतराज तो नहीं है, जिसके बाद ही इस पार्टी का चुनाव चिन्ह निश्चित होगा। बुजुर्ग की छड़ी गाड़ी से टकराई तो चालक ने निर्ममता से पीटा। पंजाब के पंचकुला से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां सैर कर रहे बुजुर्ग की छड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। इससे गुस्साए चालक ने बुजुर्ग को निर्ममता से पीटा। बुजुर्ग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा और आरोपी पीटता रहा। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। डीजीपी के आदेश पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी को मिले 6,70,00,000 रुपए। पंजाब के ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी गबन मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5 लॉकर और 6,70,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इस मामले की जांच ईडी के साथ इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी की जा रही है। ईडी और आईटी साल 2017 की तरफ से गमाडा में हुए 1,200,00,000 रुपए के फर्जीवाड़े में मुख्य आरोपी सुरिंदर पहलवान से ट्रांसपोर्ट कारोबारी और फास्टवे केबल कंपनी के मालिक गुरदीप सिंह से लिंक तलाश रही है।